लालजी दूध वाला। सुखपुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक दूध वाला अपनी बीवी गंगा और बच्चों के साथ रहता था। गोपाल रोज सुबह 5 बजे उठकर भैंसों से दूध निकालता था और गांव में जाकर बेच आता था। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा दूध। बहन जी दूध ले लो, दूध लेके आया हूँ। गोपाल भैया आज दूध थोड़ा ज्यादा देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं, खीर जो बनानी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दिन भर में गोपाल अपना सारा दूध बेच देता था और उनकी दूध से भरी टंकी पूरी खाली हो जाती थी। आज सारा दूध बिक गया, अच्छे पैसे मिले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो बाजार जाना है, मुझे एक धोती खरीदनी है। हा? अरे तुमने पिछले महीने ही तो 2 धोती खरीदी थी। तो क्या हुआ? सुना है बाजार में नई नई धोती आई है, और वैसे भी रेशम की धोती कम है मेरे पास, मुझे रेशम की धोती खरीदनी है। गोपाल जो भी पैसे कमाता था वो सारे पैसे गंगा की खरीदी में चले जाने लगे थे। बोलिए बहन जी, आपको कौन सी धोती दिखाऊं, रेशम दिखाऊं या सूती? हमारे पास सभी प्रकार की धोती होती हैं। मुझे रेशम की ही धोती लेनी है, पिछली बार सूती की धोती ले गई थी। 400 रुपए हो गए, लाइए। हाँ इतने ज्यादा? भाई साहब धोती की गुणवत्ता के सामने दाम कुछ भी नहीं है, और फिर आजकल महंगाई इतनी बढ़ने लगी है। हा? आजकल सभी चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। हाँ। आज तो पूरे पैसे खर्च हो गए। गंगा अब जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रही है। दिन भर दूध बेच के जो भी पैसे कमाता हूँ वो सारे पैसे वो खरीदारी में खर्च कर देती है। अब इतने दूध में ज्यादा पैसे कहाँ से कमाऊँ? गोपाल सोच में पड़ गया था कि और पैसे लाऊं कहाँ से, रोज अपनी भैंसे जितना दूध देती है उतना ही दे रही है। गोपाल को समझ में नहीं आ रहा था कि उतने दूध में पैसे कैसे ज्यादा कमाएं। लगता है मालिक कुछ परेशान है। जी मुझे भी यही लग रहा है। शालू मालिक को तू पूछ तो सही कि वो परेशान क्यों है भला? क्यों मालिक, आप कुछ परेशान नजर आते हो। हाँ हम थोड़ा परेशान हैं। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? दरअसल दूध से हम जितना पैसा कमाता हूँ वो कम पड़ जाता है। हम सोच रहा हूँ कि ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। अब हम दोनों बहनें जितना ज्यादा दूध दे सकते हैं उतना तो देने की कोशिश कर ही रही हैं। और हम भी और ज्यादा दूध कहाँ से दे मालिक? हाँ ये भी सही है। अच्छा सुनो, आज शाम को हो सके तो जल्दी आना, आज हम बाजार में जाकर मेरे लिए सोने का हार खरीदेंगे। क्या सोने का हार? ठीक है ठीक है। आज फिर गंगा को खरीदारी करने बाजार जाना है। दूध बेच के जितने पैसे आएंगे वो सब खरीदी में खर्च हो जाएंगे, और फिर खाली जेब ठन ठन गोपाल। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कि करें क्या। अरे गोपाल, अरे आ गोपाल। अरे राम किशोर, तू कैसे हो भैया? गहरी सोच में डूबे हुए थे, क्या हुआ, सब ठीक तो है? गोपाल अपने परम मित्र राम किशोर को अपने घर की सारी कहानी बताने लगा। गोपाल बताने लगा कि उनकी बीवी गंगा को रोज रोज खरीदी की आदत पड़ गई है, जिससे वो बड़ा परेशान रहता है। घर का खर्च बढ़ता जा रहा है और उनकी भैंसे तो रोज जितना दूध देती हैं उतना ही दे रही हैं। लेकिन दूध बेचकर कमाया हुआ सारा धन बढ़ नहीं रहा था, और ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? तो ये बात है। अरे गोपाल भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मेरे पास ज्यादा पैसा कमाने की एक अच्छी तरकीब है, सुनो। समझे? अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे सोचा नहीं तो अब सोचो हैं? राम किशोर ने जैसे कहा, थोड़ा सा अच्छा पानी अगर दूध में मिला दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, और फिर पानी मिलने से दूध भी बढ़ जाएगा।
उस दिन गोपाल जब दूध देने जा रहा था तो रास्ते में एक नदी के पास रुक गए। गोपाल नदी में से थोड़ा पानी कटोरे में लेकर अपनी दूध की टंकी में डालने लगा और इस तरह से दूध में पानी मिलाकर दूध की टंकी पानी डालने से भर गई। दूध ले लो बहन जी, ताजा ताजा दूध ले लो। आज तो पैसे रोज से ज्यादा आए हैं। गोपाल और उनकी बीवी गंगा रोज की तरह आज भी खरीदी करते हैं, लेकिन आज गोपाल खुश है। आज तो बाजार से खरीदी करने में बहुत मजा आया। हाँ, हमको भी। एक काम करता हूँ, टंकी में पानी डालता हूँ, उसके ऊपर ये दूध डाल देता हूँ और कमाई भी दुगनी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो? दूध में पानी डाल रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन पानी में दूध डाल रहे हो। पैसे भी तो दुगने मिलेंगे, पानी के भी पैसे। हाँ, गोपाल जब दूध देने लगा तो गोपाल से दूध खरीदने वालों को दूध में फर्क अब पता चलने लगा था। आजकल दूध कुछ ज्यादा ही पतला होता जा रहा है। अरे बहन जी, वही हम हैं और वही दूध है जो रोज देता हूँ। चारा भी उतना ही अच्छा खिलाता हूँ, लेकिन अब का करें, कभी कभी भैंसे पतला दूध दे देती हैं। आज तो बहुत सारा पैसा कमा लिया मैंने। अरे अरे, क्या कर रही है? अरे हमरे पैसे, ये पैसे हमरे हैं भाई, क्या कर रही हो? हमरे पैसे लौटा दो। लड्डू दो तो लौटाऊंगी। दो। चंपा मंकी लड्डू पाने पर गोपाल के धन की दोनों पोटलियों को नीचे फेंक देती है। धन की एक पोटली तो गोपाल के पास जा गिरती है, लेकिन धन की दूसरी पोटली नदी में गिर जाती है और बहने लगती है। ओह, अरे हमारी दूसरी पोटली पानी में गिर गई। अब हम क्या करूंगा, हे भगवान। गोपाल की धन की दूसरी पोटली पानी में गिर जाने से गोपाल बहुत दुखी हो गया। तब वहाँ से गुजर रहे एक साधु महात्मा की नजर गोपाल पर पड़ी। क्यों रो रहे हो बच्चे, कुछ गलत हुआ है क्या? हमारी धन से भरी पोटली पानी में बह गई, बस थोड़ा सा धन बच गया है। बेटा, हो सकता है वो धन तेरे नसीब का ना हो। जी? हो सकता है कि जो धन पानी में बह गया तेरी मेहनत का नहीं होगा, और जो पैसा तेरी मेहनत का नहीं होगा तो फिर उस पैसे के लिए रोना व्यर्थ है। लगता है बाबा सही कह रहे हैं, हम तो दूध में पानी डालने लगे थे। हाँ साधु बाबा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हमको समझ में आ गया है कि ये धन की पोटली जो बह गई वो हमारी मेहनत की नहीं थी। ये जो धन बचा है वही हमारी असली कमाई है। दरअसल हम अपनी बीवी की पैसा खर्च करने की आदत के कारण ज्यादा पैसा कमाने की लालच में बहक गए थे। शाम को जब गोपाल अपने घर लौटता है तो वो उनके साथ हुई सारी बातें अपनी बीवी गंगा को बताता है। गंगा सारी बातें ध्यान से सुनती है। गोपाल से सारी बातें सुनकर अब गंगा की भी आंखें खुल गई थी। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करूंगा और दूध में पानी भी कभी नहीं मिलाऊंगा। दूसरे ही दिन से गोपाल पहले की तरह बिना पानी की मिलावट वाला दूध बेचने लगा। दूध देखकर लग रहा है कि आपकी भैंसों ने अच्छा दूध देना शुरू कर दिया है। शाकाहारी शेर। अरे भाई कुकू, क्या हम भी आ जाएं आपके साथ खाना खाने के लिए? आज इतना दाना नहीं है कि मैं बांट के खा सकूं। माफ करना इना मिना डिका। लगता है कुकू को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम लोगों की हरकत देखकर मुझे आज शाकाहारी शेर की कहानी याद आ गई। शिना, शिना, मजा आएगा। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दादू नाम का धोबी रहता था।
धोबी के पास एक गधा था। धोबी रोज गंदे कपड़े की गठरी गधे पर लाद कर नदी पर धोने ले जाता। दिन रात काम करने के बाद भी उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। उसको रोज पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लगता है इस भूख से बचने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा गधा भी बहुत कमजोर हो गया है, क्या करूं? दादू धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़े लादकर नदी की तरफ जा रहा था कि तभी चंपा बंदरिया ऊपर से उसको देखती है और पास आकर बोलती है, अरे भाई ये क्या, तुम्हारे गधे में इतनी जान नहीं कि वो चल भी पाए और तुम उस पर बोझा ढो रहे हो? क्या करूं चंपा, मेरे पास इतना काम नहीं है कि मैं अपना और अपने गधे का पेट पाल सकूं। कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, मेरा खाने का टाइम हो गया है भाई, चलो मैं तो चली। एक दिन धोबी अपने घर पर बैठा होता है कि तभी उसकी नजर एक बक्से पर पड़ती है। वो उसको खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक शेर की खाल रखी हुई है। ये तो शेर की खाल है जो मुझे श्यामजी भाई ने दी थी, क्यों ना मैं इसे बाजार में बेचकर कुछ खाने का सामान खरीद लूं। दादू धोबी के मन में एक आइडिया आता है और वो एक युक्ति सोचता है। शेर, शेर, भागो, भागो। भाई कल की बात है, नंदू के खेत में एक शेर आ धमका। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, और बड़ी बात तो ये है कि वो घास खा रहा था। मुझे लगता है इस गांव में कोई नई मुसीबत आने वाली है, मैंने आज तक किसी शेर को घास खाते नहीं देखा। चलो चलो सब लोग मिलकर पंडित जी के पास चलते हैं, आओ। गांव के लोग पंडित के पास किसी अनहोनी के डर से जाते हैं और उनको पूरा मामला बताते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी किताब खोलते हैं और बोलते हैं, शेर का घास खाना पहली बार सुना और देखा गया है, गांव को इस मुसीबत से बचाने का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है पंडित जी, बताइए बताइए। शेर के खाने की जिम्मेदारी हर एक घर उठाएगा, उसके लिए हर रोज एक बकरी पहुंचाई जाए, इससे वो घास भी नहीं खाएगा और वापस जंगल चला जाएगा। इधर गांव वाले शेर से बचने का उपाय ढूंढ रहे थे और उधर दादू धोबी के घर में मेरा उपाय काम कर गया, अब तुम हर रोज शेर की खाल पहनकर घास खा लेना, इस तरह तुम्हारा पेट रोज भर जाया करेगा। मालिक ये बहुत बढ़िया युक्ति है, मैं पड़ोस के खेत में जाकर खूब हरी हरी घास खाया करूंगा और लोग मुझे शेर समझकर मारेंगे भी नहीं। गांव के लोग अगले दिन पंडित जी के कहे अनुसार एक बकरी लेकर खेत में इंतजार करते हैं, तभी वहां पर गधा शेर की खाल में आता है और घास चरने लगता है। लोग ये देखकर बकरी को उसके पास छोड़ देते हैं और फिर वो बकरी गधे के पास पहुंचती है। अरे बहन डरो नहीं, मेरे साथ थोड़ा तुम ही घास खा लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। गांव वाले आवाज सुनकर डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं। ये देखकर गधा डर जाता है और चिल्लाता है, मारो मारो। गांव वाले पीछे पीछे भागते हैं। भागते भागते गधा अपने मालिक दादू धोबी के पास पहुंचता है और गांव के लोग उसके पीछे पीछे। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, मेरे पास खाने को कुछ है? नहीं बचा था, ये बेचारा भूख से मर जाता, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। हाँ, तुमको इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पूरे गांव के कपड़े धोने होंगे। दादू धोबी को गांव वालों को धोखा देने के लिए ये सजा मिली कि उन्हें सारे गांव वालों के कपड़े धोने पड़े। कुकू भाई, हमने आपको नकली मुखौटा लगाकर डराया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दो कुकू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ मिलकर दाना चुगे। मैं भी आपके लिए दाना लाया हूँ।